बहुत अच्छा लगा बेटा। तो सबसे अच्छी बात है कि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा आदमी होगा जिसको क्रिकेट पसंद नहीं होगा। ये यूनिवर्सल गेम है जिसको हर आदमी पसंद करता है। और आज यहाँ आके रियली तुमने करेक्ट कहा कि बचपन की याद आ गई, क्योंकि हम लोग तो जैसा भाई ने बताया कि हम गली क्रिकेट खेलने वाले लोग थे, हम लोग तो प्रोफेशनल थे नहीं, हमारे पास तो बैट भी नहीं हुआ करता था, हम तो खुद ही लकड़ी का बैट बना के खेला करते थे गाँव में। और वो क्रिकेट आज यहाँ तक पहुँच गया है, और ये जो एक फॉर्मेट इन लोगों ने नया निकाला है ये बहुत अच्छा है। तो मुझे नाम बड़ा पसंद आया, DPL नाम बहुत खूबसूरत है। और ये जिस तरह से हो रहा है मैच, क्योंकि आजकल की जो यूथ हैं इनको किसी भी चीज़ को बहुत लॉन्गर देखने की आदत नहीं है, उनको फिल्म भी अब जो 3.5 घंटे की फिल्म बनती थी वो 1.5 घंटे की हो गई है, तो शॉर्ट फॉर्म किसी भी चीज़ का उनको पसंद आता है। तो मेरे ख्याल से ये कोशिश बहुत कामयाब होने वाली है और इसमें इनको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और ये क्रिकेट जैसा आज सोशल मीडिया पे हर जगह वेब से लोग इसको देखेंगे और पसंद करेंगे, और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में दिस विल बी द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट। वेल, क्रिकेट से मेमोरीज तो बहुत हैं कि जब स्कूल में, जैसा कि मैं यही स्कूल का एक स्टूडेंट रहा हूँ, एंड बहुत कोशिश की, जब मैं स्कूल में था तो मैं काफ़ी, मेरा वेट काफ़ी था, एंड मैं बहुत कोशिश करता था कि मैंने एक मैच जाइल शील्ड के लिए खेली थी मैंने, और उस दिन से कान पकड़ा था कि ये मेरा काम नहीं है। तो लेकिन गली क्रिकेट जो है, जो हमने गलियों में, हमारे बिल्डिंग्स में काफ़ी शीशे तोड़े हैं, काफ़ी गाड़ियों के कांच तोड़े हैं, काफ़ी मार खाई है हमारे पेरेंट्स से, लोगों की डांट खाई है कि बाबा दोपहर में डिस्टर्ब करते हैं, तो यही जो मज़ा है ये मैंने लाने की कोशिश की है, यू नो इन द टफ, कि आज गली क्रिकेट अब देखेगा इंडिया गली क्रिकेट, ये हमारी जो हैशटैग है इसी का मज़ा है कि आज इंडिया जाने कि क्या हो रहा है, कि एक्चुअली गली क्रिकेट कहाँ पे पहुँचा है, किस लेवल पे पहुँचा है। देखिए, बहुत एक्साइटिंग तो है ही है, क्योंकि फॉर्मेट बहुत अच्छा है, और जैसे कि समीर जी ने भी कहा कि क्रिकेट एक रिलीजन है, बॉलीवुड और क्रिकेट ये दो ऐसी स्ट्रीम है जो हिंदुस्तान का छोटा बच्चा जब ग्रो करता है वहाँ से ही उसको पता लग जाता है। तो क्रिकेट का ये वाला फॉर्मेट बहुत अच्छा है, और जैसे मैं खेल रहा था तो मुझे डिच किया उन्होंने, बॉल को अंडर हैंड डाल के भी स्पिन कर दिया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट ऑन दिस टर्फ, बट ये ऑफकोर्स इट्स क्वाइट, कह सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और शायद मैं कोशिश करूँगा आपके अगले साल इस क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने। और एक और मैं ओपिनियन देना चाहता हूँ इनको, बहुत अच्छी राय है मेरी, अभी एक फिल्म बहुत चली है गली बॉय, तो इनको बोलना हो कि गली क्रिकेट का टाइटल बुक करके रखवा ले, उसी से बहुत फ़ायदा हो जाएगा, लाखों रुपए का तो टाइटल मिलेगा इनको, तो गली क्रिकेट का नाम जरूर बुक करके रख लो। गुड आइडिया, हमने ऑलरेडी रजिस्टर, जो टैग लाइन्स है अब देखेगा इंडिया गली क्रिकेट, वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। वो तो टैग ठीक है, मगर गली क्रिकेट जो है वो उस पर फिल्म तुरंत शुरू हो जाएगी जैसे ही पॉपुलर होगा क्रिकेट। जी जी, श्योर, ये एडवाइस मेरी टीम को दूंगा मैं। देख रहा हूँ, लेकिन बचपन में हम लोग टूर्नामेंट देखते थे अंडर आर्म, लेकिन वो छोटा सा बॉक्स था, 25 फुट बाय 20 फुट के बीच में बॉक्स में देखते थे, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पे इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का इंटरनेशनल गेम चालू है। क्योंकि उनका बैंड लगा अभी जो ऑस्ट्रेलिया में उनका तमन्ना थी, ऑस्ट्रेलिया प्लेयर का ऑस्ट्रेलिया खेलना एक सपना होता है, लेकिन उनका बैंड लगा जो प्रैक्टिस मैच में उनका पाँव में इंजरी हो गया, लेकिन अभी अच्छा खेल रहे वापस मुंबई, थोड़ा स्कोर बनाया, लेकिन अभी IPL के लिए दिल्ली की तरफ से वो प्रैक्टिस चालू है, आने वाले थोड़े ही दिन में हम लोग उनको वानखेड़े स्टेडियम पहला मैच देखने के लिए हम लोग तो तैयार हैं, और मैं आशा करता हूँ कि पृथ्वी के बैट से अच्छा स्कोर बने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं संजय सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए, मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है कि सर यहाँ पे आए और अंडरम को इतना
अच्छा माने और इतने अच्छे लफ्ज़ बोले। वेरी थैंकफुल फॉर यू सर कि आप रियली आए, आप जैसे हस्ती यहाँ पे आना, टाइम निकाल के मेरे लिए, मैं ये मैच देखना बैठ के, मेरे लिए यही एक जीत है। और मैं चाहूँगा कि अंडरआर्म क्रिकेट भी एक आगे बढ़े और एक फॉर्मेट का बढ़े, और मैं इसमें आपका साथ चाहूँगा आगे फ्यूचर में भी। कि ये फॉर्मेट सर, आप खुद भी इनमें से कई प्लेयरों को जानते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इन लोग को इसमें भी आप सपोर्ट करें और इनो ये स्पोर्ट को आगे बढ़ाए, मुझे हेल्प करें। मैं आप बस यही इनसे गुजारिश करूंगा कि बस DPL ड्रीम्स प्रीमियर लीग को ऐसा ही सपोर्ट दें और आशीर्वाद दें।